नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आंखों की पलकों की आईलैशेस की। आईलैशेस किसी भी व्यक्ति का, खास तौर से औरतों की, एक खूबसूरती का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, क्योंकि आँखें ही इस दुनिया को बयान करती हैं, आँखें ही पूरी दुनिया को अपने दिमाग में समेटती हैं। तो व्यक्ति खूबसूरत आँखों से खूबसूरत पहचाना जाता है। तो आईज की खूबसूरती का एक बहुत बड़ा स्थान होता है आई लैशेस, और अगर आपकी आई लैशेस झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, तो आप खुद ही एक हीन भावना में आ जाते हो। आज हम आपको बताएंगे पांच ऐसी कारगर दवाएं जो आपकी आई लैशेस को, हेयर फॉल को रोकने से सक्षम हैं, उसको रोक सकती हैं। तो पेश है साथियों आपके सामने पांच ऐसी कारगर दवाएं जो आपकी आई लैशेस के हेयर फॉल को रोकेंगी। यहाँ पर साथियों हम बता दें, क्योंकि ये मेडिकल इम्पॉर्टेंस की चीज़ है, कोई भी दवा बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछे, लिखवाए, प्रिस्क्राइब कराए मत लीजिएगा कोई भी दवा। चलते हैं साथियों उस सफ़र पर जिस पे आपको बताते हैं आई लैशेस को फॉल से रोकने की, आँखों के पलकों को, बालों को झड़ने से रोकने की पांच कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, आई लैशेस की फॉलिंग की श्रृंखला में सबसे पहली स्थिति तब आती है जब आपकी आईब्रोज भी फॉल हो रही हो और आपकी आई लैशेस भी जा रही हो, आपकी आंखों की पलकें भी जा रही हो और आपकी भवें भी जा रही हो। तो अगर यह स्थिति आप में है साथियों, तो उस स्थिति में आई लैशेस को, हेयर फॉल को रोकने की और आईब्रो की हेयर फॉल को रोकने की बहुत कारगर दवा है काली कार्बोनिकम। काली कार्ब 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार आप ले सकते हैं। जब आपकी आई लैशेस और आईब्रोज, आँखों की पलके और भवें दोनों का हेयर फॉल हो रहा हो, उस समय यह दवा आपकी बहुत मदद करेगी। साथ में जो काली कार्ब का मरीज होता है उसके हाइपर एसिडिटी की बहुत शिकायत होती है, तो अगर यह सिम्टम आप में है तो आपकी टेक ऑफ द चॉइस काली कार्ब है। एक और साथियों जो बहुत अच्छी दवा आपका जब आई लैशेज और आईब्रो का हेयर फॉल हो रहा हो एक साथ, तो रोकने की दवा है एंथ्रासेनम। अगर काली कार्ब आपका काम ना कर पाए तो एंथ्रासेनम काम करेगी। एंथ्रासेनम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार लेना भी आपके आई लैशेज और आईब्रोज दोनों का साथ में अगर हेयर फॉल होता है तो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड दवा है। एक और स्थिति जो साथियों, स्थिति और दवा जो आई लैशेस के लिए बहुत अच्छी है रोकने के लिए अगर हेयर फॉल हो रहा है, उस स्थिति में जब आपके बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता हो, आपके सर्दी बहुत ज़्यादा लगती हो और आपके आई लैशेस का हेयर फॉल हो रहा हो, तो उस स्थिति की आपकी जो ठीक दवा है वह है एलुमिना। आप एलुमिना 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लीजिए। यह दवा आपके आई लैशेस की हेयर फॉल को भी रोक देगी और आपके कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक कर देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि आपके आर्थराइटिस, तो आपके जॉइंट्स पेन में बहुत ज़्यादा हो रहा हो, आपकी उम्र हो गई हो और आपके साथ में आई लैशेज भी फॉल हो रही हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आपके जॉइंट्स में बहुत पेन हो रहा हो और आई लैशेज का हेयर फॉल हो रहा हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रस्टॉक्सीडेंड्रॉन। रस्टॉक्स 200 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके जोड़ों के दर्द को भी आराम देगी और आपके आई लैशेज के हेयर फॉल को भी रोक देगी। एक साथियों सिम्टम आता है आपके आई लैशेस की हेयर फॉल में कि आपके आई लैशेस का हेयर फॉल हो रहा हो और आपके आंख में लगता हो वो बाल आपकी आंख के अंदर जा रहे हैं, ऐसा आपको सेंसेशन होता हो, तो अगर इस तरह की आपकी स्थिति हो कि इस तरह का सेंसेशन हो रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला। आप पल्सेटिला 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपके आई लैशेस के हेयर फॉल को भी रोक देगी और जो आपको बाल ऐसा सेंसेशन आपको में लग रहा है उसको भी खत्म कर देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपके आई लैशेस को, हेयर फॉल को रोकने की। इसके अलावा फॉस्फोरस, सिलीनियम, एसिड फॉस, लाइकोपोडियम तमाम दवाएं आती हैं जो आपके आई लैशेस के हेयर फॉल को रोक सकती हैं। मतलब कि आपको चिंता नहीं करनी है, आपको डॉक्टर से मिलके दवा करनी है। आप डॉक्टर से सलाह से कोई भी दवा ले सकते हैं, इनमें से भी या इसके अन्य बाहर भी।
आपके मन में कोई क्वेरी हो तो क्वेरी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल पे लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको संतोषजनक जवाब दे पाएं। निवेदन साथियों यही है कि बड़ी मेहनत से वीडियो बनते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। धन्यवाद।